अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एमरजेंसी डिपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर फरा। उन्हें से जानती हूँ कि आखिरकार क्या वजह है डॉक्टर फरा, क्या वजह है कि हर साल हम लोग यही चीज देखते हैं कि डेंगू वायरस आया और फिर इतने ज्यादा मरीज जो हैं वो इसके निशाना बन जाते हैं। क्या वजूहत है कि हम लोग क्यों अभी तक एहतियात नहीं कर पाते? एक्चुअली आप देख रही हैं कि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो हमें तो मेन जो पानी है उसका ध्यान करना है, उसकी नशोनुमा की तरफ जाना है कि वो डेंगू वायरस के जो हमें मच्छर है वो नशोनुमा ना हो। उसमें ये है कि आप देखें आजकल जो मोस्टली हम उसको जल्दी ड्रेन करते हैं, तो हमारे यहाँ पे मोस्टली गमले वगैरह हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है। हमें घर के लेवल पर सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा पानी ऐसी जगह पर इकट्ठा हो रहा है जो हमें नहीं पता। बाहर भी ऐसी जगहों को हमें हॉस्पिटल्स में जैसे हमने यहाँ पर स्प्रे वगैरह करवाया है, हर एक को अपने घर में पानी का जो सोर्स है वो देखना चाहिए कि ऐसी जगह ना हो जहाँ पे नशोनुमा हो। अच्छा ये बताइएगा आपके अस्पताल में इस वक्त कितने मरीज तो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या रेशो हो गया? सस्पेक्टेड केसेस तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसमें फिर मेरे प्रोबेबल लॉट पे कन्फर्म की तरफ जाते हैं। मुझे ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपको फीवर हो तो आप उसको ईजी ना लें और हॉस्पिटल की तरफ आए। उस पर यह है कि जो सस्पेक्ट हम कर रहे होते हैं उसका चांस ज़्यादा है कि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि जब हमारे पास प्लेटलेट्स बहुत लो आते हैं तो उस वक्त हेमरेजिक फीवर की तरफ वही पेशेंट्स चले जाते हैं। वो सीरियस कंडीशन में जब पेशेंट्स आते हैं तो उससे बेहतर है वो स्टार्टिंग में आए सस्पेक्टेड केसेस में, तो उनके लिए बेहतरी है कि वो उस तरफ लेके जाएंगे सीरियस। ये भी साथ में बता दें, जिस तरह आपने अभी कहा कि म्यो अस्पताल में आपने स्प्रे करवा ली है, आपको नहीं लगता कि जिले इंतजामिया को भी तमाम शहर में भी स्प्रे करवाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं स्प्रे कहीं नहीं हो रहा? हमारे साथ इंतजामिया ने तावुन किया है और स्प्रे उनके साथ तावुन के साथ ही हो रहा है। वो हमें स्प्रे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, अपने उनके लोग भी आ रहे हैं जो हमारे स्प्रे करते हैं। हम वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में तो उनके तावुन के साथ हो रहा है और उनकी जगहों पर जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है, जहाँ जहाँ सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं वो हमसे पूरा डेटा दे रहे हैं और उस डेटा के मुताबिक उन जगहों में से करवा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ओवरऑल भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है अब यकीनन अब जिस जगह पर हुआ है वहाँ पर तो चले आप चले गए, बाकी जगहों पर हम लोगों को तो नहीं ना पता कहाँ से कौन सा मरीज जो है वो रिपोर्ट होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि पूरी जगहों पर करने से स्टार्ट में वो हमारे पास डेली बेसिस पर डेटा लेने आ रहे हैं, जहाँ पे एक केस भी आ रहा है ना वो वहाँ पर सबमिट करें, ताकि देखिए जहाँ एक केस आ गया वहाँ तो लाजमी होगा ही होगा ना, तो उस जगह के और केसेस ना आए। फिलहाल वो इस बेस पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट बात होती है उनसे तो मेरा ही हाल है कि वो करवा रहे हैं मुझे जगहों पे, लेकिन सस्पेक्टेड केसेस वाली जगह पे तो लास्ट में करवा। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड जगह पे भी स्प्रे इस वक्त हो रहे हैं और डेंगू वायरस के केसेस में इस वक्त बड़ा तेजी से इजाफा होता जा रहा है। अपडेट करेंगे आपको बेहतर।